आज से एक साल पहले द बेटर इंडिया ने मेरी सक्सेस स्टोरी ऑनलाइन पब्लिश की, जिससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। जयपुर के श्रवण यादव एक छोटे से गांव सुंदरपुरा में पिछले 3 सालों से वर्मी कंपोस्ट बिजनेस चला रहे हैं, लेकिन 2022 में द बेटर इंडिया ने उनकी कहानी कवर की और उस एक आर्टिकल ने श्रवण के बिजनेस को नई पहचान और मुकाम तक पहुंचाया। मैं बता दूं कि एक साल पहले जब मेरी स्टोरी पब्लिश नहीं हुई तो मेरे पास 200 बेड वर्मी कंपोस्ट की थी, जो आज बढ़कर मैंने 1100 वर्मी कंपोस्ट की बेड कर ली है। इसी के साथ साथ उस टाइम मेरे पास 4 आदमियों को मैंने रोजगार दे रखा था, आज मैं 14 लोगों को रोजगार मेरे फार्म पर उपलब्ध करवा रहा हूँ। किसान परिवार में पले बड़े श्रवण ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद पहले MNC कंपनी में नौकरी की, फिर PhD कर डॉक्टर भी बने, लेकिन फिर लोगों को केमिकल फ्री खेती की ओर ले जाने के लिए उन्होंने लॉकडाउन में एक छोटी सी वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाकर डॉक्टर ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट की शुरुआत की। द बैटरी इंडिया में मेरी न्यूज छपी, उससे मेरे से कई युवा मेरे फार्म पे आए, उनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी, जिससे आज कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट बनाए और खुद अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया उन लोगों ने। द बेटर इंडिया की कोशिश हमेशा आपकी सफलता की कहानियों को सामने लाने की रही है। अगर आपकी कहानी भी किसी बदलाव का हिस्सा है तो उसे हमारे साथ शेयर जरूर करें, और ऐसी मोटिवेशनल कहानियों के लिए जुड़े रहें द बेटर इंडिया के साथ।